हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफेक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में जो है 54 शिक्षक बहाली के जो सातवां जो चरण की जो बात चल रही है उसको लेकर यहां पे बात करने वाले हैं। और अब ये सातवां चरण जो आयोजन किया जाएगा वो सही है या गलत है इसको जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे, और ये किसके साथ जो है अन्याय होगा ये भी हम यहाँ पे जो है आपको बताएंगे कि सातवां चरण का जो आयोजन किया जा रहा है उसको जो है रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए, या आप लोग अगर समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग यस करिएगा कि हाँ सातवां चरण का आयोजन किया जाना चाहिए। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप ये फैसला करिएगा कि सातवें चरण का आयोजन किया जाए कि ना किया जाए। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना होगा बेल आइकन पे प्रेस और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे न्यूज़पेपर में कटिंग जो है छप रही है कि सातवें चरण का जो आयोजन होगा वो जो है जो जितनी काउंसलिंग हो चुकी है उसके बाद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो है पॉइंट वाली बात है वो ये है कि बिहार शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि सातवें चरण का जो आयोजन किया जाएगा ये वहां पे किया जाएगा जहां पर सीटें रिक्त बच गई हैं। अब जो सीटें रिक्त बची हैं उसमें दो तरीके की सीटें रिक्त बचेंगी, कैसे कैसे बचेंगी ये आपको बता देते हैं। पहली सीटें तो वहां पर जो है खाली बची हुई है जहां पर कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है और जहाँ की काउंसलिंग जो है सफलतापूर्वक संपन्न करा ली जाएगी, यानी कि अगस्त तक में जो भी काउंसलिंग होगी सेकंड फेज की वहां तक जो काउंसलिंग जो संपन्न करा ली गई है सफलतापूर्वक और उसमें कोई फर्जी अभ्यर्थी नहीं मिला तो उस नियोजन निकाय की जो काउंसलिंग है वो सफल मानी जाएगी और सक्सेस मानी जाएगी, और वहां पे जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनको नियोजन पर निर्गत कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो वहां की जो सीटें बचेंगी, जो सीटें जो है रिक्त बचेंगी उस पर जो है क्या होगा सातवें चरण का आयोजन किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो है सातवें चरण में उन काउंसलिंग सेंटर्स की भी जो है काउंसलिंग कराई जाएगी या जो है आवेदन लिए जाएंगे जहां पर जो है नियोजन इकाई की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है, यानी कि ऐसी नियोजन इकाइयां जहां पे जो है फर्जीवाड़े के चलते जो है काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है वहां की जो सीटें बची हैं अब उनको जो है बिहार शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि उन सीटों को हम लोग रिक्त मान लेंगे और उनको जो है सातवें चरण की बहाली में जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है दो बातें हो गई। पहली तो ये हो कि सेकेंड फेज तक की जो है काउंसलिंग कराई गई या दो चरण संपन्न किए गए, और दूसरी चीज ये है कि जो काउंसलिंग जहां रद्द हुई है वहां पे जो है बिहार शिक्षा विभाग को पुनः काउंसलिंग कराना चाहिए, लेकिन अब वो काउंसलिंग कराने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, वो कह रहा है कि उनकी रिक्तियों को सातवें चरण में जोड़ करके नए आवेदन लेकर के जो है काउंसलिंग कराएंगे। अब इससे फायदा किसको है नुकसान किसको है ये भी देख लीजिए। फायदा उनको होगा कि जिनकी मेरिट लो थी, यानी कि 65 तक या 65 से, और यही नहीं अपवाद स्वरूप ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका 74 है, 88 है, 82 है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब है कि काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम 5 चरण तक जो है काउंसलिंग करानी चाहिए, 6 चरण तक काउंसलिंग करानी चाहिए जब तक आपके पास मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी हैं और जब तक आपके पास सीटें हैं तब तक बिहार शिक्षा विभाग को काउंसलिंग बंद नहीं करनी चाहिए, वो काउंसलिंग जो है लगातार होती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिहार शिक्षा विभाग ने बिल्कुल मन बना लिया है, वो क्या कह रहा है कि जो सीटें रिक्त बच गई हैं जिन काउंसलिंग सेंटर्स में काउंसलिंग कराने के बाद और नियोजन पत्र निर्गत करने के बाद उनको जो है सातवें चरण में जोड़ दिया जाएगा, और इसके साथ ही जो रद्द हुई काउंसलिंग है जहाँ की उनकी सीटों को भी जो है सातवें चरण में जोड़ करके नए आवेदन लेकर के फिर से जो है बहाली प्रक्रिया को जो है संपन्न कराया जाएगा। ये पूरी तरीके से जो है गलत है। यहाँ पर जो फायदा है वो सिर्फ जो है उन अभ्यर्थियों को फायदा है जो नए अभ्यर्थी आएंगे, बाकी किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे उनका 65 से नीचे हो या 65 हो, या ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका 77, 88, 82 है, उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है किसी भी त्रुटि के चलते, किसी भी गलती के चलते, या जहाँ पे काउंसलिंग रद्द कर दी गई है वहां पे जो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे उनकी भी टॉप मेरिट है, तो उनको ये कम्प्लीटली नुकसान होने वाला है कि अगर सातवें चरण का आयोजन किया गया तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि उन सीटों को जो है फिर से बैकलॉग सीट दिखा करके उस पर नए आवेदन लिए जाएंगे और सबको शामिल किया जाएगा। और जब दोबारा से लोग शामिल होंगे तो आप ये मान के चलिए कि फिर से जो है नई मेरिट बनेगी जो कि हाई जाएगी, और फिर पहले उन्हीं अभ्यर्थियों का जो है मेरिट में सिलेक्शन होगा जो हाई वर्ग में जो टॉपर पे होंगे, और उसके बाद जो फिर जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो जो है टोटली जो है छूट जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको जो है बिहार शिक्षा विभाग से संपर्क करने की जरूरत है, वहां पर अपनी बात रखने की जरूरत है कि जो काउंसलिंग चल रही है कम से कम जो है 4-5 चरण कराए जाए जब तक अभ्यर्थी हैं और जब तक सीटें हैं, जब सीटें पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तब उसके बाद जो है इस काउंसलिंग को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन बिहार शिक्षा विभाग को ये कौन समझाएगा कि जब तक सीटें बची रहती हैं तब तक आपको काउंसलिंग प्रक्रिया चलानी होगी, लेकिन वो जानबूझ करके क्या कर रहा है कि इसको बंद करने जा रहा है। तो अब फैसला आपके हाथ में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप जो है इसके लिए जागरूक रहते हैं
जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जो 65 से नीचे हैं या 70 से नीचे हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी कि जो है काउंसलिंग के कम से कम 4 चरण 5 चरण का आयोजन किया जाए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके, यानी लो मेरिट वालों का भी सिलेक्शन हो सके। अगर ये काउंसलिंग सेकेंड फेज के बाद बंद हो जाती है और 7वें चरण का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल आप ये जान लीजिए कि फिर आपका सिलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको अभी से जो है तत्पर होना होगा और आवाज उठानी होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।